भाई बॉडी बुश का बॉडी बुश ही कट गया बिल्कुल। दाल अपनी बेंच जो है वो कस रहे हैं बोल्ट, उसके फेंडर्स का डिजाइन यहाँ पे अभी ना हेडलाइट में फिटिंग कर दी है उन्होंने। ये देखो ये अंदर से क्या दिख रहा है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आप आ चुके हैं एक और वीडियो में। आज फिलहाल हमारे पास आ गई है गाड़ी वापस लिफ्ट होके, एंड अभी आपको मैंने दिखाई नहीं, रात को हम लेट लाए थे। तो अभी चलते हैं नीचे यार, गाड़ी वॉश भी हो गई है, उसको लेते हैं। उसका जो एक स्टेयरिंग की रॉड है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो टर्बो के साथ टच हो रही है, उसको भी रिजोल्व करवाते हैं और जल्दी से नीचे चलते हैं। और भाई सर ये देख सकते हो लिफ्ट होने के बाद हाइट क्या होगी है, बट खैर कहीं बाहर चल के आपको ना प्रॉपरली दिखाता हूँ। और भाई साहब गाड़ी की हाइट अभी चेक करो स्टॉक बोनेट पे, ये देखो यहाँ से चिमनी को देखो भाई, चिमनी के छत की सारी डिटेल्स दिख रही हैं। और भाई साहब हमने पिकअप कर लिया है ऐश निशन को। ऐश निशन जी कैसी लग रही है गाड़ी? खतरनाक भाई, है ना? मैं कह रहा हूँ ऐसे फील ऊंची ऊंची सी आ रही है ना, किसी ना बहुत ज्यादा हाइट पे बैठे हैं, मतलब बलेरो सफारी वाले भी ना ऐसे करके देख रहे हैं ऊपर करके। चलो सही है भाई। वो देखो ऐश भाई वो ट्रक दिख रहा है आगे, कमाज नहीं स्टैलियन, स्टैलियन स्टैलियन कमाज, अभी थोड़ा स्टैलियन भी नहीं है, टाटा का है वो, टाटा की है, टाटा। और भाई साहब अभी हम आए वापस, यहाँ पे ना एक आर्मी का ट्रक खराब हुआ है और वो ना खुद धक्का मार रहे थे उसको, और हमारे पास टो स्ट्रैप वो स्ट्रैप भी है, अगर उन्होंने अलाउ किया तो हम उनको मतलब थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे जहाँ तक वो बोलेंगे, जंप स्टार्ट करा देंगे, हेल्प कर देंगे। तो भाई साहब यार हमने तो फुल है ना अपनी तरफ से कोशिश की, बट शायद वो स्टार्ट करके ले गए अभी। हाँ जी हाँ जी, तो हमने वो धक्का मारे थे उस टाइम पे और इतना ट्रैफिक लग गया था हम रुक नहीं पाए, तो हम आगे से टर्न लेके आए, बट अब जब तक हम वापस पहुंचे तब तक वो चले गए थे। पर चलो हमारा दिल साफ था, है ना, दिल साफ था, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। 2000 years later. और वैसे फाइनली यहाँ पे पहुंचे थे और ये हो गया कांड सुबह सुबह भाई, बॉडी बुश ही कट गया बिल्कुल। ऐश दादा भाई ये क्या हो गया? सर इसमें थोड़ा कमी है, हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें दूसरा मंगा के ना भाई ऐसे नहीं करना, मतलब ये वाले इस कलर में प्रॉब्लम है और वो जो वो ग्रीन वाला कलर है वो सही है। तो अभी फिलहाल इसकी जो डिफेक्टेड बॉडी बुश थे वो हम खोल रहे हैं और इंटायरली उसको चेंज कर रहे हैं, ये हमने इनिशियल स्टेज पे देख लिया तो बढ़िया रहा, वरना बाद में प्रॉब्लम आती। बाकी मैं तो खजल होता ही हूँ और अब मेरे साथ साथ आज ऐश जी भी खजल हो रहे हैं। ऐश जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलो फिर चलते हैं, सीन दिखाते हैं आपको। और भाई साहब अभी ऑटो में जा रहे हैं हम, तो ये जो चीज दिख गई है ना ये चीज है नेक्स्ट लेवल यार, अभी टाइम नहीं है नहीं तो आपको प्रॉपर इसका रिव्यू देते हैं। सब अभी पहुंच गए थे ऑटो से सतलुज डिजाइन पे, तो देखते हैं आज थार का काम कहां तक पहुंचा है। अभी ना फिलहाल अपनी टेल लाइट्स जो है वो निकल चुकी है, एंड साथ साथ में जो इंच प्लेट है वो आ चुकी है इनके पास, एंड फेंडर्स का डिजाइन यहां पे अभी ना हेडलाइट में फिटिंग कर दी है इन्होंने, जैसे ये लोहे की पत्तियां लगा दी है यहाँ पे। तो अभी विंच प्लेट आपको दिखाते हैं, अपनी विंच भी आ गई है पूरी रीडू हो गया, अब खाली इसकी रोप चेंज करनी है। एंड चलो विंच प्लेट दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई इतनी मोटी विंच प्लेट है, इस पे होल करने के लिए भी ना स्पेशल, इसको वर्मा बोलते हैं, वो देखो भाई कितनी मोटी है, देखो कितनी 12 mm, 12 mm, इससे हैवी तो आती नहीं ना, जो लगी थी वो 6 mm थी, ये देखो भाई डबल, क्या कहना चाहते हैं, नो वर्ड्स अगेन, नो वर्ड्स, मोमो शौकीन। नहीं भाई ये इन्होंने कहा था मंगवाने के लिए, तो मैंने कहा था, झूठ बोलते हो, श्योर मैन, 15 किलो। क्या कहना चाहते हो? बस कोई गाड़ी के आगे ना आना। ये देखो भाई एक हाथ से उठती भी नहीं है, जितनी पहले विंच प्लेट थी अप्रोक्सीमेटली उतना पूरा बम्पर बन रहा है। तो भाई साहब ये लग रही है विंच प्लेट, देख सकते हो आप, और ये जा रही है अपनी विंच। ऐश अब क्या होगा? मेरे को नहीं पता क्या होगा, रिकवरी होगी, रिकवरी। हाँ और गाइस अब इससे होगी तगड़ी रिकवरी है, जो मतलब टूट जाती है ना लोगों की वो नहीं टूटेगी। और भाई साहब एक और चीज, ये देखो ये अंदर से क्या दिख रहा है दुनिया। तो भाई साहब ये हमने क्यों काटा है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा आता था जो कैप्टन सीट के माउंट से, तो उसकी वजह से ना गाड़ी जो आर्टिकुलेशन है वो खाली यहाँ तक आ पाती थी, तो अब हमें ये चीज़ काट देंगे, ये चीज़ खुली कर देंगे तो टायर पूरा अंदर तक जाएगा। कैसा लगा? सही है, आर्टिकुलेशन के लिए करा ना हमने बेसिकली, ये पहले स्पेस मिल रही है इनिशियली ना, पहले ऐसा ही आता है कंपनी से, तो हमने जब मैंने सीट फिट कराई थी बहुत पहले की बात है, जब गाड़ी ली थी तो उन्होंने ही कर दिया था, तब मुझे आइडिया नहीं था, तो अब जब मुझे पता चला तो फिर मैंने बम स्टॉप नीचे करवाया, बट अब बम स्टॉप नहीं कराने पड़ेंगे, अब बम स्टॉप निकाल देंगे हम। पैसा भी यार देखो, ये वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये बम्पर हमारी गाड़ी में लगने वाला है, बट छोटा मोटा आपको दिख रहा है कैसी लग रही है गाड़ी, एंड अभी देखते हैं सारी मेजरमेंट्स करते हैं फिर आपको बताते हैं।
ये देखो यार, अभी फेंडर्स नहीं बने हैं और ग्रिल की शेप नहीं है ये वाली, बाकी बम्पर की शेप भी ये नहीं है, बट छोटा सा आपको आइडिया देने के लिए ना सिर्फ इसको धूप में लगा के एक अच्छा सा थंबनेल लेते हैं और फिर आपके सजेशंस लेते हैं। अभी मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी ऑड लग रही होगी, बट एक मिनट रुको भैया, फेंडर हैं कोई हमारे पास पड़े हुए? अच्छा वो पड़े हुए हैं, बट ऐसे कोई भी ले आओ, ऐसे खाली लुक देखनी है। तो भाई ये वाले ना बम्पर ये वाला, ना ग्रिल ये वाली, ना बोनेट ये वाला, तो कोई बोलेगा है क्या इसमें? वो भाई वो सारा सामान तैयार हो रहा है अभी। और भाई साहब ये वाला फेंडर तो नहीं है, बट हम आपको आइडिया दिखा दिए कि कैसा दिखने वाला फेंडर। मॉन्स्टर बन गई गाड़ी है ना, खतरनाक। और क्या? और भाई साहब उम्मीद की किरण आ चुकी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आ गए मृणाल भाई। कैसे हो भाई साहब? कैसे हो आप? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मजे में। मजे में नहीं है, सच बता दो। नहीं नहीं, सच्ची आज आज को मैंने ऑटो में बिठाया, कहता मैं कम से कम 10 साल बाद ऑटो में बैठा हूँ। देखो हम कैसे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, डाउन टू अर्थ है ना। ये देखो रिच ब्रैट्स। और भाई साहब अभी फिलहाल वहाँ से हम निकल गए हैं और अभी देखते हैं क्या सीन बनना है आज का। और क्या सीन है? अभी तो कोई सीन नहीं है। तो भाई साहब अभी यार 616 वाला भी कॉल किया, वहाँ पे भी कुछ खास बना नहीं है, वो अभी अपने डिफरेंशियल की ही वो अपनी मेजरमेंट चल रही है, तो वो आपको दिखाने का कोई पॉइंट नहीं, आप लोग बोर हो जाओगे। तो आज के दिन को करें वाइंड अप फिर, आज फिर अभी कुछ होएगा तो फिर दिखाएंगे। हाँ सही बात है, कुछ होगा तो दिखा देंगे अभी। और भाई अभी आए थे हम भाई साहब के टायर देखने के लिए, तो भाई साहब के टायर देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। ऐसे मुझे जैसे दिए थे वैसे ही लग रहे हैं, पता नहीं क्यों लग रहे हैं, अभी कुछ नहीं किया हुआ मैंने। चलो रगड़ाई की है, ये देखो ना फिलिंग कर दी है मेरे ख्याल से। नहीं आप तो ये खाली वॉश किया। सही बात है। The next day. तो hello and welcome back to the channel. आप आ चुके हो day 2 of our video. आज फिलहाल यार सीन बहुत रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि आज किसी ने कोई काम नहीं किया। 6x6 का भी कोई काम नहीं हुआ, थार का भी कोई काम नहीं हुआ, 700 का बस ये आ गई अपने पास वापस। तो आज शाम को निकलते हैं, छोटा मोटा चक्कर चक्कर मारते हैं। मैंने बोला आज ऐसे तो है नहीं कोई दिखाने के लिए, बट चलो फिर भी जितना आपको दिखा पाऊंगा उतना दिखाऊंगा, बाकी चलते हैं आज चक्कर मारते हैं, गेड़ी मारते गेड़ी। और भाई साहब अभी पहुंचे थे फिलहाल निक बेकर्स, तो अभी यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क हो रही है और चलो सीन दिखाते हैं आपको। और ये हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, ये देख सकते हो अंदर लॉक हो गए हैं। कूल कार मैन, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? क्या हाल है भाई साहब? हैं ठीक हो? बढ़िया हो, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। कूल कार मैन, थैंक्स ब्रो। और भाई साहब फिलहाल अभी हम आए थे यहाँ पे चक्कर मारने, जैसे आपको पता है हमारे ऐश भाई हमारे साथ हैं और इतने में हमें भाई भी मिल चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका? और आपका कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई सजेशन? सजेशन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सजेशन आप हमें भी औलाद हो। वो कैसी लग रही है गाड़ी? गाड़ी एक नंबर। अब थार वर्ड्स फॉर दिस 700 का ही जा रहा है, ट्रैफिक में अलग ही पता लग रही है कि खड़ी है। एक बार नजर मारो सारी तरफ, अलग ही दिख रही है। इसके लिए वर्डिंग थम्स अप कर दो फिर। और भाई साहब अभी आए थे गेड़ी वेड़ी मारने, और अभी भाई साहब बैठो यार। गाइस ये पता नहीं कौन सायरन मार रहा है, ये ओरिजिनल है कि नकली? ये नकली होगा। नकली? चलो भाई चलो भाई। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आयुष भाई पीछे से आया ना, जैसे मैं दिखा नहीं सकता आपको। एवरीथिंग इज गुड या? अभी हम कहाँ हैं? ईस्टवुड ब्रो, गेड़ी डाइंग। पता नहीं कहाँ लेके आ रहे हैं मेरे को ये दोनों, एक ये और एक वो भाई साहब। कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे और क्या। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है भाई साहब, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। वो देखो गाइस स्टॉक फॉर्च्यूनर, और ये चेक करो, कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा मार सामने। देखो फॉर्च्यूनर, देखो क्या लग रही है। मेरे पास भी फॉर्च्यूनर है, बट मुझे थार देख के ज्यादा मजा आ रहा है। नहीं तो मेरे पास भी तो फॉर्च्यूनर है। हाँ जी ये देख लें गाइस, एक मिनट मुंडा मुंडा फैशन दिखाओ अपना, यू नो। हाँ जी हाँ जी, तुम्हें पता ही है मेरे। ऐश करना है यार। नहीं भैया। क्यों? या तो वो मशीन रहेगी या मैं रहूंगा। और भाई साहब अब आपको हम दिखाएंगे द स्ट्रगल इज रियल वाला पार्ट। ऐश भाई को देखना कैसे जाएंगे अंदर। भैया ये बहुत गलत करते हैं, कमेंट करो सपोर्ट ऐश। तो भाई साहब खाना खुना खा के अभी निकलने लगे हैं। और एंड दिस इज रैप अप, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भैया। तो भाई साहब ये था आज का व्लॉग, बाकी लव यू ऑल एसके फैमिली।